टू आवर यूट्यूब चैनल indiabud.com। फ्रेंड्स, आज से मैं एक नए वीडियो सीरीज की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें आपको मैं सारे तरह के एग्जाम्स का, जिसमें भी करेंट अफेयर्स आता हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता हो, रीजनिंग आता हो, इंग्लिश आता हो, सभी की प्रिपरेशन करवाऊंगा। इस वीडियो सीरीज में मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ सबसे बेसिक पार्ट से, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो इस वीडियो को देखते रहें। और लास्ट में इस वीडियो को मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको सॉल्व करना होगा, ये चेक करने के लिए कि आप कितना समझ पाए। तो ये आप वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी देख पाएँ और वो लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएँ इस वीडियो में, और आप भी कमेंट जरूर करें जो भी आंसर है उसके साथ। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस अब लाने वाला हूं। उसके बाद आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, और हमारा वेबसाइट भी विजिट करें, और हमारा चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और हमारा फेसबुक ग्रुप भी है, वहाँ पर भी मैं क्वेश्चंस पोस्ट करूँगा, तो आप वहाँ पर भी जाके जो भी है ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, जल्दी से ज्वाइन कर लें। तो चलिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, व्हाट इज अ नंबर। तो नंबर इज डिनोटेड बाय अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स कॉल्ड न्यूमरल्स। तो इसमें क्या होता है, जो भी नंबर है उसमें ग्रुप ऑफ डिजिट्स होता है, जो कि न्यूमरल्स का ग्रुप ऑफ डिजिट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, ये है एग्जांपल 528679। ये नंबर है ग्रुप ऑफ डिजिट, जिसमें जैसे नंबर 5, 2, 8, 6, 7 और 9, ये सारे क्या हैं, एक डिजिट है, जो कि डिजिट सारा मिक्स हो गया तो ये नंबर बन गया। उसी तरह जैसे ये है 4380967, तो इसमें भी 4 एक अलग है नंबर, 380967 सारा एक अलग डिजिट है, तो इससे नंबर बन गया। तो चलिए, इस तरह ही आप इसको समझ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, ये सारे एग्जांपल्स हो गए। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब डिनोटिंग अ न्यूमरल, तो नंबर न्यूमरल को कैसे डिनोट करते हैं, तो इसमें दो तरह होता है। पहला है इंडियन सिस्टम, फिर यूएस सिस्टम है, तो मैं आपको दो तरह का बताने वाला हूँ। तो पहला इंडियन सिस्टम पर ध्यान देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम प्लेस वैल्यू चार्ट का हम यूज़ करने वाले हैं। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में अगर हम इंडियन सिस्टम में देखें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वंस होता है, फिर उसके बाद टेंस आता है, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, फिर टेन थाउजेंड्स, फिर लैक्स, फिर टेन लैक्स, फिर करोड़, और फिर लास्ट में आता है 10 करोड़। इससे भी ऊपर होता है, लेकिन मैं यहाँ 10 करोड़ तक ही ले रहा हूँ। तो पहला नंबर जो भी है, ये 9876543321 है। तो इसको मैंने वैसे ही प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको पुट कर दिया, और वैसे ही 1234567 को पुट किया है, और वैसे ही नीचे फिर 5254965 को पुट किया। तो इसमें क्या है, अब इसको देखते हैं कि इंडियन सिस्टम में अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। तो पहला जो नंबर था 9876543321, तो इसको हमने क्या लिखा है, 98,76,24,321। तो ये हमने पहला लिख दिया। फिर दूसरा जो नंबर था 1234567 8, तो इसको हमने लिखा है 1,23,45,678। फिर जो थर्ड नंबर जो था 5254963, इसको हमने लिखा है 52,54,965। तो जो नीचे से हमने लास्ट डिजिट जो है वो नीचे से लिखना शुरू करेंगे इस प्लेस वैल्यू चार्ट में, और ऊपर तक हम लोग जाएंगे। तो जैसे हम लोग गए हैं, जैसे इसमें 5254965 में सबसे पहले 5 लिखेंगे लास्ट डिजिट वंस में, उसके बाद टेंस लिखेंगे, फिर हंड्रेड्स, इस तरह से ही 10 लाख तक पहुँचे, उससे ऊपर नंबर्स में 10 करोड़ और 1 करोड़ तक पहुँचे। अब यूएस सिस्टम में देखते हैं, सेम नंबर मैंने एग्जांपल में लिया, तो देखते हैं यूएस सिस्टम में इसी नंबर को क्या लिखा जाएगा। तो जो पहला नंबर जो भी था 9876543321, इसको यूएस सिस्टम में क्या लिखा जाएगा, उसको यूएस सिस्टम में लिखा जाएगा 987,654,321। जो दूसरा नंबर है 1234567 8, इसको लिखा जाएगा 12,345,678। और जो थर्ड नंबर है 5254965, इसको 5,254,965, तो इस तरह से आपको लिखा जाएगा। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर भी हमने नंबर तो सेम ही रखा है, अब इसमें देखेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे आप
कोई भी नंबर लेते हैं हम, यहाँ सेवन लेते हैं सबसे पहले, तो सेवन का देखते हैं। सेवन जो है इस, ये फेस वैल्यू इसका क्या है, तो सेवन का फेस वैल्यू जो होगा वो सेवन ही होगा, जो कि एक्चुअल नंबर होता है, फेस वैल्यू भी वही होता है। और अगर हम इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो इसका, क्योंकि ये मिलियंस वाले पोजिशन पे है, तो इसका हो जाएगा सेवन इंटू वन मिलियन इज इक्वल टू सेवन मिलियन, तो इस तरह कुछ हो जाता है। अब हम वैसे ही लेने वाले हैं दूसरा नंबर, अब कौन सा लूँ, तो दूसरा नंबर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम फोर सेलेक्ट करते हैं, तो फोर का ये फेस वैल्यू जो होता है वो तो सेम होता है, तो फोर का भी सेम रह जाएगा फोर। अब इस नंबर को प्लेस वैल्यू देखते हैं क्या है, तो ये है जो 10,000 प्लेस पे है, तो इसका 4 इंटू 10,000 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 40,000। तो इस तरह से ही हो जाएगा, आप इस तरह से भी कोई भी ले सकते हैं। जैसे फिर एक और नंबर लेते हैं जो कि है 9, तो 9 का जो फेस वैल्यू है 9 का 9 रहेगा, और जो प्लेस वैल्यू है 9 इंटू 100 इज इक्वल टू 900 हो जाएगा। तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस अनुसार ही हमारा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू वैसे चेंज हो जाता है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं, इसमें टाइप्स ऑफ नंबर्स पे अब चलते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर टाइप होता है वो होता है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है, जो भी काउंटिंग नंबर्स होता है वो नेचुरल नंबर होता है। इसमें 1, 2, 3, 4 इस तरह के हो गए, अनलिमिटेड काउंटिंग जो कर सकते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ये हो गए हमारे काउंटिंग नेचुरल नंबर्स। फिर दूसरा टाइप जो है वो है होल नंबर्स का। तो जो भी काउंटिंग नंबर्स इसके साथ में जीरो हो, जो भी अभी हमने नेचुरल नंबर्स देखा उसके बाद जीरो लगा दें एक और, तो हो जाएगा वो होल नंबर्स। तो इसमें जो भी है, इसमें हमने जैसे 1, 2, 3, 4 लास्ट एग्जांपल में लिया था, तो यहाँ पर जीरो इंक्लूड कर दे, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स है वो आएगा होल नंबर्स में। तो थर्ड टाइप है यहाँ पर इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स क्या होता है, जो भी काउंटिंग नंबर्स हमने अभी लिया था, जो भी होल नंबर्स लिया था, जैसे होल नंबर में 0 से लेकर इन्फिनिटी तक था 0, 1, 2, 3, 4, उसके साथ में नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर भी लिया जाता है। तो जीरो का तो वैसे कोई नेगेटिव नहीं होता, लेकिन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी नंबर होगा उसका नेगेटिव भी होगा। तो जैसे 1 का -1 होगा, तो इस तरह से हम ले सकते हैं। तो इसमें -4, -3, -2, -1 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह के इन्फिनिटी तक पॉजिटिव में जाएगा और इन्फिनिटी तक इधर भी जाएगा, तो इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक ही जाता है ये। अब अगला जो है इवन नंबर, जो भी काउंटिंग नंबर जो भी डिविजिबल बाय 2 है वो होगा इवन नंबर। तो इवन नंबर जो भी है, जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ 2, 4, 22, 100, 2, 4, 9, 8, सारे जो नंबर हैं वो 2 से डिविजिबल हैं, इसीलिए सारे इवन नंबर्स हैं। अब अगला नंबर है वो है ऑड नंबर। ऑड नंबर जो भी हो वो काउंटिंग नंबर्स होता है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये होता है ऑड नंबर। जैसे यहाँ पर 1 हो गया, 5 हो गया, 21 हो गया, 109 हो गया, 3491 हो गया, ये सारे नंबर्स जो हैं 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये सारे नंबर्स जो होंगे वो ऑड नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर क्या होता है, वो काउंटिंग नंबर जिसका बस 2 फैक्टर हो, एक तो फैक्टर उसका 1 हो और एक फैक्टर वो खुद हो। जैसे एग्जांपल हमने लिया है 3, 5, 31, 79, 97, तो 3 का जो फैक्टर होगा वो एक तो 3 खुद है और 1 है, वैसे 31 का जो फैक्टर होगा वो 31 होगा और एक 1 होगा, तो इस तरह से 2 फैक्टर ही होंगे, वो नंबर ही प्राइम नंबर होगा। अब कंपोजिट नंबर, जो भी काउंटिंग नंबर जिसके जो भी प्राइम नहीं है वो सारे आते हैं कंपोजिट नंबर्स में। तो जिसमें 4 हो गया, 24 हो गया, 33, 50, 100, तो ये सारे नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 4 के अगर फैक्टर्स देंगे तो 1, 2, 4, 3 फैक्टर हो गया, 24 के देखें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया और 24 हो गया, तो इसमें देखिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इसलिए कॉम्पोजिट नंबर होगा। 1 और एक जो नंबर होता है 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, तो प्राइम भी नहीं होता है, कॉम्पोजिट भी नहीं होता है।
टाइप्स ऑफ नंबर्स में अगला जो नंबर है वो है परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? जिस परफेक्ट नंबर वो होता है जिसका जो भी फैक्टर हो उसको अगर हम सम करें तो वो नंबर के इक्वल हो जाए, लेकिन उसमें हम सम किसको नहीं करेंगे, कौन सा फैक्टर नहीं करेंगे। तो जो नंबर खुद है वो भी खुद अपने नंबर का फैक्टर होता है, तो उसको हम छोड़ के बाकी सारे नंबर को ऐड करेंगे तो वो फैक्टर को ऐड करेंगे तो वो इक्वल हो जाए नंबर के, तो उसको परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे सिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, तो सिक्स के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 और 6। तो सिक्स को हम काट देते हैं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अपने नंबर को काउंट नहीं करना है। तो 1 + 2 + 3 करेंगे इज इक्वल टू 6 होता है, जो कि 6 के बराबर है। तो इस तरह से 28 का करते हैं, 28 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 7, 14। 14, 7, 21, 21, 4, 25, 25 to 27 + 1, 28। तो ये सारों को ऐड कर दिया इज इक्वल टू 28 आ गया, जो कि नंबर के बराबर है। तो ये नंबर जो है वो भी परफेक्ट नंबर है। जो अगला है वो को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स क्या होता है? जो भी दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो वो होगा को प्राइम नंबर्स। तो जैसे यहाँ पर 2 और 3, 2 का एचसीएफ और 3 का एचसीएफ जब करेंगे तो 1 आएगा, वैसे 8 और 9 का एचसीएफ जब हम करेंगे तो 1 आएगा। तो ये दोनों नंबर मिला के हो गए को प्राइम नंबर्स। इन दोनों नंबर्स को रिलेटिव नंबर्स भी बोला जा सकता है, रिलेटिव प्राइम्स बोला जा सकता है। अब ट्विन प्राइम्स, तो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस जो है वो 2 है, जैसे 3 और 5। तो ये कंटिन्यूस जो भी प्राइम नंबर्स हैं बिटवीन एक नंबर के जो बीच में हो तो वो नंबर होगा ट्विन प्राइम्स। 3 और 5 के बीच में बस 4 आएगा, वैसे 5 और 7 के बीच में बस 6 आएगा, 11 और 13 के बीच में बस 12 आएगा। तो इसके बीच में बस एक नंबर है, दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 2 का होना चाहिए। तो 5 - 3 जैसे करेंगे तो इक्वल टू 2 आएगा, 7 - 5 करेंगे इक्वल टू 2 आएगा, 13 - 11 करेंगे इक्वल टू 2 आएगा। तो ये सारे नंबर जो हो गए मिलके हो गए ट्विन प्राइम्स। अगला जो नंबर है वो है रेशनल नंबर। नंबर्स जो भी एक्सप्रेस किया जा सकता है पी बाई क्यू के फॉर्म में, और जिसमें पी और क्यू एक इंटीजर होना चाहिए और क्यू जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो सारे नंबर रेशनल नंबर्स होंगे। तो इसके एग्जांपल जैसे है 1/4 हो गया, 0 हो गया, -8/13 हो गया, 9, 2/3 हो गया। तो इस तरह के नंबर्स जो हैं वो हैं रेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स पे बात करते हैं। तो जो भी नंबर जो भी डेसिमल में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नहीं फॉर्म में नहीं कर सकते हैं वो सारे नंबर्स हो गए इरेशनल नंबर। एग्जांपल जैसे इसमें √3 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया, 0.234578 ऐसे कुछ नंबर्स हो गए जो कि कंटिन्यूस चलता जा रहा है। तो इस तरह के नंबर्स आ गए इरेशनल नंबर्स में। फ्रेंड्स ये रहा आज का ट्यूटोरियल, लेकिन इस जाने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस से सॉल्व करता हूँ जिसको आप सॉल्व करके आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आप हमारे फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज पे आप सेम क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप वहाँ पर जाके आप आंसर दे सकते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो फेसबुक ग्रुप में जाके आंसर दीजिए, या फेसबुक पेज पे जाके आंसर दीजिए, या यूट्यूब चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो भी कमेंट सेक्शन है उसमें जाके आप आंसर दे सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें मैं सारे क्वेश्चन फिर से सॉल्व करूंगा आपको, और आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4, 7, 6, 6, 2, 1, 1, 1, 5, तो इसको इंडियन सिस्टम और US सिस्टम दोनों में लिखना है, तो ये क्या होगा? वैसे ही फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू जो बताना है आपको 5 का इन 1485133, ये बोथ आपको इंडियन और यूएस सिस्टम में बताना है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू 5 का क्या होगा इस नंबर में। उसी तरह थर्ड क्वेश्चन जो है वो है इन जो नंबर्स दिया हुआ है, 5 नंबर दिया हुआ है 5, 11, 1, 14 और 28, इन 5 नंबर्स में कौन सा नंबर प्राइम नंबर है ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि ये जो 5 नंबर सेम दिए हुए हैं उसमें कौन से नंबर्स जो हैं कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो सारे आप आंसर्स जरूर दीजिए, हम चेक करके आपको रिप्लाई भी देंगे। चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लें, और हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।